जो भी खाना जी पहले आएंगे उनका हम सिंहासन पे विराजमान करेंगे, फूल वूल ले ले हाथों में, ढोल वोल बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, आप बस बने रहना ठीक है। जय हो जय हो जय हो जय हो। राधे राधे का पूरा पाठ हो गया है और यहाँ पे हमारे कान्हा जी को हम कर रहे हैं रेडी, मैम करेंगी मेरी फुल हेल्प, तो कान्हा जी को तैयार करते हैं और बाहर चलते हैं, उन सबके लिए सरप्राइज है, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। जानकी वल्लभ, वाह भाई वाह। गाइस वेलकम बैक, हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जन्म दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ब्लॉग हाजिर है आप लोगों के सामने एक और अमेजिंग सा, ब्लॉग को पूरा देख के जाना। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त कामिनी और ये है मेरा पुचका। पुचका मतलब छोटा बच्चा कामिनी का भविष्य। भविष्य हेलो बोलो, जय श्री राधे करो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, ये अब बना ना तू मेरा बेटा। तो भैया आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार से होने वाला है, कल है जन्माष्टमी ठीक है, तो मेरा मन कुछ कुछ ये हो रहा है कि हम जन्माष्टमी पे एक छोटा सा प्यारा सा कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मम्मी की परमिशन चाहिए, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में मम्मी के पास, मम्मी से पूछते हैं कि कल हम ये करें या नहीं करें। मम्मी कल कीर्तन ऑर्गेनाइज करें, छोटा सा करते हैं प्यारा सा, आस पड़ोसियों को बुलाते हैं, बस छोटा सा है ना। और मैं ये सोच रही हूँ जिस जिसके पास लड्डू गोपाल जी है ना उनको बोलते हैं अपने लड्डू गोपाल साथ में लेके आओ, उसकी मर्जी जैसे होगा तो बोले, कृपा होगी ऊपर वाले की, तो कृपा होगी, इनवाइट तो हम करेंगे ठीक है। तो यहाँ से हो गया फाइनल, कल करते हैं छोटा सा प्यारा सा कीर्तन ऑर्गेनाइज, तो अब मैं मिलती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी का सीन कुछ इस प्रकार से है कि कीर्तन की चल रही है घर में फुल तैयारी, तो बच्चों का फुल मनोरंजन, तो अभी का सीन में जानता हूँ कुछ इस प्रकार से है। अब गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए, जो भी हमारा प्रसाद वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो सामान बहुत सारा सामान हो जाता है, वो छोटा छोटा करते करते, तो पापा गए हैं सामान लेने, नितिन जी गए अपने ऑफिस एज यूजुअल, और ना ही हमने उनको छुट्टी का बोला क्योंकि कीर्तन में आपको पता है लेडीज़ लोगों का ज़्यादा काम रहता है, तो घर बैठने वाला काम। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लाइक करें, राधे राधे करें। अभी मिलती हूँ कुछ देर के बाद। पहला काम अपना ये है कि भाग्य और भविष्य दोनों को नहलाते हैं ठीक है, चलो चलो दोनों बच्चे नहा लो, दोनों बच्चे। मैं आपकी बार भाग्य ये सोच रही हूँ, भविष्य हो गया गंजा, गंजा कृष्णा अच्छा लगेगा अगर इसको बना भी देते हैं हम। करेक्ट करेक्ट, दे हाई फाई, दे हाई फाई, दे ये यो ब्रो। वे यहाँ देखो कीर्तन का हो रहा है प्रसाद तैयार, पापा ले आए सारा सामान यहाँ पे, और ये रहा और ये रहा, केले हैं ये, जाओ आप कुछ काम नहीं करने देते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ भरो। प्रकार से अभी मुझे जाना पड़ रहा है मेरे स्कूल, क्योंकि ना कल मैं डेकोरेशन का अपने घर से सामान स्कूल में लेके गई थी, अब वो सामान मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, तो पहले चलते हैं स्कूल और स्कूल से सामान उठा के लाते हैं, फिर अपना मंदिर डेकोरेट करेंगे ठीक है। तो स्कूल जाके यहाँ पे अपन पूजा का सारा सामान लेके आ गए हैं, तो अब अपना काम बच गया है डेकोरेशन का, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिल के करते हैं डेकोरेशन मज़ेदार। Up all night by myself, trying to figure ways to you. Up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain. So guys, अभी का सीन कुछ इस प्रकार से, अभी आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं हमारा मंदिर हो गया फुल डेकोरेट, और यहाँ पे मैं भी हो गया फुल डेकोरेट, यहाँ पे देख पा रहे हैं भाग्य भी फुल डेकोरेट, ऐसे पसर उड़ गया बेटा, ये तेरे लिए नहीं बिछा है। आप देख पा रहे हैं पीछे थोड़े थोड़े से हमने बलून लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है आज है कृष्ण जी का बर्थडे, तो हमने सोचा थोड़े थोड़े से प्यारे प्यारे से बलून लगा रहे थे, और भी सुंदर लगेगा, फीलिंग आएगी बर्थडे जैसी। तो आपका सिनेमैटिक दिखाया जाएगा, अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मंदिर अभी हमारा संपूर्ण नहीं हुआ, वो संपूर्ण कैसे होगा ये आपको बता देते। आप देख पा रहे हैं ये जो झूला है ना, ये जो सिंहासन है ये अभी खाली है ना, ये क्यों खाली है अभी बताती हूँ आपको।
ये सिंहासन इसलिए खाली है, मैंने जिस जिस को भी इनवाइट किया है कीर्तन के लिए उन सबको ये बोला कि अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी हैं तो वो भी इनवाइटेड है, आप उनको भी लेकर आइए। तो अभी ये देखते हैं कि जो भी कान्हा जी हमारे फर्स्ट आएंगे उनको यहाँ पे विराजमान करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है नहीं लड्डू गोपाल जी। देखिएगा कि ये भी एक लक की बात है और कौन से कान्हा जी यहाँ पे आके विराजमान होते हैं, और उनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी है, वो भी देखो। फुल सुंदर लग रहे हो, मस्त ऐसे लग रहा है मेहंदी के फंक्शन में जा रहे हो। प्रसाद में हमने मिक्स कर दिया टॉफियां, क्योंकि बर्थडे है ना कान्हा जी का, तो बच्चे टॉफियां भी खाएंगे। वैसे ना चमत्कार है ना, अपने कल तक कुछ नहीं था ना, जब होना होता है ना चीज, जब होना होता है तभी होता है। भैया एक फनी चीज बताना ही भूल गए, देखो मैंने ना टीवी को भी डेकोरेट कर दिया दुपट्टे से। अब आप लोगों को ब्लॉग में क्या अजीब नहीं लगेगी, थोड़ी या ज्यादा अजीब लग रही है पता नहीं। और यहाँ देखो मटकी भी टांग दी है, ये हमारी शादी की घड़ोली है, मैंने इसको यहाँ टांग दिया है, मटकी कान्हा जी की बना दिया इसको। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी कान्हा जी पहले आएंगे उनका हम सिंहासन पे विराजमान करेंगे, तो शायद एक कान्हा जी हमारे आ गए हैं और मैंने फूल वूल ले लिया हाथों में, ढोल वोल बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप बस बने रहना, ठीक है, व्लॉग बहुत मज़ेदार होता है आपको पता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा व्लॉग देख कर ही जाया करो भैया, अगर इस चैनल पर आ गए तो पूरा व्लॉग देख कर ही जाओ, ठीक है। तो अब करते हैं कान्हा जी का स्वागत मेरे साथ, जन्माष्टमी को बनाते हैं और भी आनंददायक, ठीक है, चलो चलते। कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी का स्वागत है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, डांस कर। और ये रे कान्हा जी, मम्मी छोटे वाले तो ये हैं। यहाँ देख पा रहे हो आप हमारे घर पे कितने सारे कान्हा जी, मासी आपके पास तो दो है ना, दो कान्हा जी हैं। चलो, ओ ये तो बहुत छोटे हैं, ये बेबी कान्हा जी, सेम सेम, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। अब आप बिठाओगे, आप क्या हैं पहले बिठाओ, झूले से बिठा दे, झूले में बैठ, सोच रखे इस जड़ा पहले झूला, हमने सोचा हुआ, मैं देख रही थी, मैंने कहा मासी आ गई है, नीलम मासी, हम यहाँ से छुप छुप के देख रहे थे कौन आ रहा है। आज आसन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, रुचि रुचि ना करो भाई, मासी दे घर आयो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये जाओ, इसको गोदी ले लो, छोटे को नीचे कुछ लगाना बेटा, वो देख लेंगे, अभी आप गिफ्ट दो पहले, छोड़ पर्स का रख, छोड़ ना बाबू। हाँ अब क्या, आप आके तैयार हो गए, चलो मम्मी गिफ्ट दो, आप ये रखा, बाजी वाह अच्छा है, ये तो गला चल वो है, उन्हें भी कौन हो, नहीं अब उनको भी दो, उनको भी दे दो, आओ आओ भाई, सबको मिलेगा, अरे मेरे तो मुंह बना लेते हैं ना, नहीं मुंह बना लेंगे, ड्रेस साइन जगह बना इनको, ये अभी रुको, मासी तो बिल्कुल बिस्तर पे लाइए, दोपहर को सो जाए आराम से, नहीं मैं आराम से बैठेंगे ना बहुत देर तक, झूले झेकता बैठे, हाँ चलो। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन अने गज विघ्न विनायक कृपा सिंधु तुलसीदास कर जोरे बसो राम सिया मानस मोरे, बोल गणपति गणेश भक्ति में डूब जाओ बहन के हर तेरे नाम की माला, भजरे मन भजरे मन भजरे मन जय गोविंदा जय गोपाला खुशियां सबको देने वाला जय गोविंदा
अंदर चल रहा है कीर्तन और इन दोनों की चल रही है यहाँ पे मस्ती। भविष्य आप क्या कर रहे हो, आपको फुटबॉल अभी खेलनी है? हाँ लड़का तैयार हो गया भैया, लड़का तैयार हो गया भैया, अपना वो कौन सा सूट बोलते हैं इसको, पठानी सूट वूट पहन के चलो मैं अंदर चलती हूँ, मैं इन लोगों को देखने आई थी, ये दोनों ठीक ठाक तो हैं, खेल रहे हैं। अंदर का माहौल दिखाती हूँ एक बार, यहाँ लगो बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग। जय माता दी, जय राधे राधे। वो एसी चल रहा है ना, गर्मी से निकलने कैसे। वहाँ बजा, वहाँ पे वहाँ जा। कहते हैं भगवान सुनते न, वाह तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं, तुम मीसबी के जैसे खिलाते नहीं, केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह भाई वाह, देखो मैं पानी डाल रही हूँ, सबको पानी पिलाना है, सबका गला खराब हो गया, गा 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 के। ए रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैने
यहाँ खेल रहे है, यहाँ खेल रहे और बाहर क्या चल रहा है? कंचा। हाँ, लेकिन चाय वाय तो कोई पी नहीं रहे, सबका व्रत है ना। हाँ, प्रसाद दे दो दादू सबके। जैसे कि आप सबको पता है बाहर चल रहा है मजेदार सा कीर्तन, राधे राधे का पूरा पाठ हो गया है और यहाँ पे हमारे कान्हा जी को हम कर रहे हैं रेडी। मैम करेंगी मेरी फुल हेल्प, तो कान्हा जी को तैयार करते हैं और बाहर चलते हैं। उन सबके लिए सरप्राइज है, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, तो आप बने रहना ठीक है। बोलो पंडित पहनाने लगी, फेंक के मारा है, ले जा इसको। अच्छा उतार रहे, उतार रहे। Happy Ganmashtami।
तुझे बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कर रही थी भार अनंत और ये बना रही थी चाय गर्मा गर्म खुशबूदार वाली। देखो चाय तैयार हो गई है सबके लिए और कर दिया मैम ने तैयार, मेरी हेल्प करवा दिया। शालू नहीं आई ना आज, आप आ गए हो, देख लो। ये तो पुण्य का काम है, जब तू सत्संग कर सकती है तो मैं चाय तो बना ही सकती हूँ। वाह भाई वाह, सबको मम्मी ने प्रसाद वरसाद दे दिया, सब खुश हो गए। एक बात बताओ, जन्माष्टमी पे कीर्तन करके मजा आया ना? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आपके बाके भी आ रही की है वो कान्हा की। अभी वहाँ से जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, वहाँ से दे देखो। टॉफी बर्थडे है ना कान्हा जी का, हैप्पी बर्थडे कान्हा। ऐसे तो भैया अभी का सीन कुछ इस प्रकार से है, चाय वाय बनाने के बाद अब हम चाय पियेंगे। जन्माष्टमी है, मेरा फास्ट है तो मैं चाय पीऊंगी। मैं कचौड़ी खाऊंगी। आप कचौड़ी खाओगी क्योंकि उनका नहीं है, तो हम लोग चाय पानी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं ना यार। नितिन जी जस्ट अभी अभी घर आए हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। इसी के साथ आज के ब्लॉग को, मजेदार से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।